जैन बच्चों, मैं सोनिया श्रीवास्तव आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए दिन नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम हमारी पाठ पुस्तक चितिज भाग एक में संकलित पाठ 13 ग्राम श्री कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। कवि परिचय पर प्रकाश डालते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में सन 1900 में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया। इस बालक का लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद पंत जी ने काशी इलाहाबाद में अध्ययन किया। पंत जी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ना छोड़ देते हैं। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। पंत जी को बचपन से ही काव्य में रुचि थी, इसीलिए वे आकाशवाणी में हिंदी के प्रमुख प्रोड्यूसर बनाए गए। आपने कुछ दिन रूभास पत्र का संपादन किया। भारत सरकार से पंत जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। छायावाद के आधार स्तंभ रहे पंत जी का देहांत 1977 में हो गया। रचनाएं, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपथ, उत्तरा, कला और भूरा चांद, चिदंबरा आदि उनके काव्य संग्रह है। लोकायतन इनका महाकाव्य है। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। भावपक्ष, प्रकृति के अन्यन चित्यारी सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य, मानवता, रहस्यवाद आदि का मार्मिक अंकन हुआ है। वे प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। उन्होंने संयोग एवं वियोग दोनों का ही चित्रोप वर्णन किया है। पंत जी के काव्य में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। उन्होंने मानव के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों पर दृष्टिपात किया है। उन पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव रहा है। कला पक्ष, पंत जी के काव्य की भाषा कोमल कांत पदावली से युक्त, सहज एवं सकुमार है। उनकी भाषा में लालित्य का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। प्रतीकात्मकता, बिंब विधान आदि इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। पंत जी ने मुक्तक तथा प्रबंध दोनों शैलियों को अपनाया है। रूपक, उपमा, श्लेष आदि अलंकारों का उन्होंने मौलिक प्रयोग किया है। पंत जी ने परंपरागत एवं नवीन दोनों प्रकार के छंदों में काव्य रचना की है। साहित्य में स्थान, छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे सुमित्रा नंदन पंत ने श्रेष्ठ रचनाओं से हिंदी साहित्य के भंडार को भरने का सराहनीय कार्य किया है। आधुनिक काल के कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, ग्राम से कविता में कविता के ग्रामीण प्रकृति के सौंदर्य और संपन्नता का मनोहारी चित्रण हुआ है। खेतों में हरी भरी लहलहाती फसलों, रंग बिरंगे फूलों, फलों से लदे वृक्षों, सब्जियों, नदी किनारे के तरबूज आदि के साथ साथ ही हरियाली, धूप आदि का रोमांचक अंकन इस कविता में हुआ है। तो चलिए बच्चों, इस कविता का आनंद लेते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। प्रथम पंक्तियाँ फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी
उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक। कठिन शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ रवि सूर्य, उजली स्वच्छ, हरित हरे, रुधिर रक्त, भू धरती, नव आकाश, निर्मल स्वच्छ। संदर्भ, बच्चों संदर्भ जो होता है प्रत्येक पंक्तियों का एक सा होता है, क्योंकि संदर्भ में हम पाठ का नाम और कवि का नाम लिखते हैं। इस प्रकार संदर्भ होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक के ग्रामश्री पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में हरी भरी फसलों से शोभायमान खेतों की सुंदरता छटा का वर्णन हुआ है। व्याख्या, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि कहते हैं खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। जो मखमल होता है वो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और कवि ने उस मखमल की तुलना किससे की है, हरियाली से की है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि खेतों में दूर दूर तक जो हरियाली है वो उन्हें मखमल की तरह प्रतीत हो रही है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, उस मखमली हरियाली में चांदी की सफेद जाली की तरह सूर की किरणें लिपटी हुई हैं। आशय यह है कि जैसे मखमल मखमली वस्त्रों से चांदी का जाली जड़ी होती है, वैसे ही खेतों की हरियाली से सूर की किरणें लिपटी सी जान पड़ती हैं। यहाँ पर सूर की किरणों की तुलना चांदी से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। आगे कवि कहते हैं कि फसलों के हरे वाले तनों से हरा रक्त झलमला रहा है, अर्थात बच्चों जो तना है वो हरे रंग का होता है, और तने में उन्होंने रक्त किस कलर का बताया है, हरे रंग का बताया है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि तना कौन से रंग का होता है, तो आपको लिखना है हरे रंग का। फसलों के हरे रंग वाले तनों से हरा रंग झलक रहा है, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक, अर्थात धन धान्यमय श्याम वर्ण वाली धरती के तल पर आकाश का स्वच्छ फलक झुका हुआ है, अर्थात फसलों के कारण पृथ्वी और आकाश दोनों मिले हुए से प्रतीत हो रहे हैं। काव्य सौंदर्य, कवि ने फसलों से हरी भरी प्रकृति की छटा का अंकन किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हिल हरित रुधिर, यहाँ पर हा शब्दों का उच्चारण दो बार हुआ है, और बच्चों जहाँ पर एक ही वर्ण या शब्द का उच्चारण बार बार होता है वहाँ अनुप्रयास अलंकार आता है। आगे की पंक्तियाँ, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। शब्दार्थ रोमांचित पुलकित, वसुधा धरती, किंकिणियां करधनी, तैलाक्त तेलमयी। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में विभिन्न फसलों के फूल फलों से सुशोभित धरती का वर्णन किया गया है। व्याख्या, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अर्थात कवि कहते हैं कि धरती प्रफुल्लित प्रसन्न पुलकित सी लग रही है क्योंकि जौ और गेहूं में बालें आ गई हैं। गेहूं जो गेहूं के जो पौधे होते हैं उनमें जब गेहूं के दाने आ जाते हैं तो उनको हम बालें बोलते हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, अरहर और सन की पीली फली फलियां रूपी सोने की करधनियां सुशोभित होती हैं। उड़ती भीनी तैला गंध फूली सरसों पीली पीली,
कभी कहते हैं आगे, वातावरण में चारों ओर तेलमयी भीनी सुगंध उड़ रही है क्योंकि सरसों के पीले पीले फूल खिल रहे हैं। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलीती सी नीली, यह देखो हरे रंग से धरती नीलम की अलसी की नीली कली सी झांकती प्रतीत हो रही है। अर्थात कवि ने यहाँ पर फसल का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य फूल फलों से शोभायमान धरती की भव्यता अंकित हुई है। उपमा और अनुप्रयास अलंकार का उपयोग हुआ है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ ब्रंतों से ब्रंतों पर। शब्दार्थ रिल मिल घुल मिल जाना मिलकर, छिमियां फलियां फूले फिरते उल्लास से भरकर, ब्रंत डंठल। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में फली फूलों से लदी मटर पर मंडराती तितलियों का वर्णन किया गया है। व्याख्या रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, अर्थात कवि कहते हैं विभिन्न रंगों के फूलों में घुसकर मिलकर मटर रूपी सखियां मुस्कुरा रही हैं, अर्थात रंगीन फूलों के बीच मटर लगी फलियां ऐसी लग रही हैं जैसे वे रंगीन फूलों से मिलकर प्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं। मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, उनके ऊपर मटर की फलियां बीजों के दानों को छिपाए हुए मखमली पेटियां लटक रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, उनके ऊपर और विविध रंगों के फूल पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ ब्रंतों से ब्रंतों पर। कभी कहते हैं ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मनोरम वातावरण में फूल स्वयं उल्लास से भरकर एक डंठल से दूसरे डंठल के ऊपर बैठ रहे हैं, अर्थात हवा में लहराते फूल ऐसे लगते हैं जैसे एक डाली से दूसरी डाली पर जाकर लगे हों। विशेष काव्य सौंदर्य फूलों फलियों तितलियों के उल्लास प्रसन्नता का वर्णन, प्रसन्नता के दृश्यों का वर्णन हुआ है। अलंकारों में अनुप्रयास अलंकार और उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। अब स्वर्ण रजत मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। प्रसंग पत्तों और फूलों से उल्लास भरी प्राकृतिक शोभा का चित्रण किया गया है। व्याख्या अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि अब चांदी सोने जैसे चमक वाले बौर से आम की डाली भर गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकला मत वाली, ढाक तथा पीपल के वृक्षों से गिरते पत्तों के सौंदर्य एवं विभोर कोमल मदमस्त हो उठी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली, चारों ओर कटहल की सुगंध फैली है, जामुन पर अध खिले फूल सुशोभित हैं और जंगल में झर बेरी की डाली पर बेर झूला झूल रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कभी कहते हैं आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैगन और मूली उल्लास से खुशी से प्रफुल्लित होकर फूल रहे हैं, अर्थात बढ़ रहे हैं। बच्चों काव्य सौंदर्य प्रकृति के मदमस्त कर देने वाले सौंदर्य का अंकन हुआ है। अनुप्रयास अलंकार का उपयोग हुआ है। आगे की पंक्तियाँ पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेल, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया,
लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। शब्दार्थ मधुर मीठे, अम्ली छोटा आंवला, लहले लहरा रहा लहराना। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में फलों फूलों की सुगंध और हरियाली से परिपूर्ण गांव के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। कभी कहते हैं कि अब पीले रंग वाले पके अमरूदों में लाल चित्तियां पड़ गई हैं। आपने देखा होगा जो पीले रंग के अमरूद होते हैं उनमें लाल लाल रंग के कुछ दाने पड़ जाते हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेल अवली से तरु की डाल जड़ी। अर्थात सुनहरे रंग के मीठे बेल पक गए हैं और छोटे छोटे आंवलों से पेड़ की डाली भर गई। लहले पालक महमे धनिया लौकी और सेम फली फैली। पालक लहरा रही है और धनिये की महक चारों ओर फैली हुई है। लौकी और सेम की बेलें दूर दूर तक फैली हुई। मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अर्थात मखमल की तरह जो टमाटर है उनका कलर लाल हो गया है और जो मखमल रहता है एक कपड़ा होता है वो भी लाल रहता है सुर्ख लाल कलर का। तो कवि ने यहाँ टमाटर के रंग की तुलना किससे की है? मखमल के कपड़े से। और बड़ी मिर्च भरकर थैली की जैसी हो गई हैं। हरी मिर्च जो पक गई हैं वो लाल रंग की हो गई हैं और बड़ी बड़ी हो गई हैं क्योंकि उसमें बीज भर गए हैं। काव्य सौंदर्य फल फूल हरितिमा और प्रकृति का मनोरम अंकन हुआ है। अनुप्रयास अलंकार का उपयोग हुआ है। आगे की पंक्तियाँ बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कल की सवारते हैं कोई तृते जल में सुरखाब पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। बच्चों शब्दार्थ कठिन शब्दार्थ अंकित चिन्हित बनाई गई सरपत घास के पत्ते तिनके तिरते तैरते हुए सुरखाब चक्रवाक पक्षी पुलिन किनारे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा के किनारे के सुंदर मनोहर दृश्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कवि कहते हैं कि पानी की लहरों से बने बालू के सांपों से गंगा की सतरंगी रेती चिन्हित है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। किनारे पर घास पात और तिनकों से घटी हुई तरबूजों की खेती अत्यंत सुंदर लग रही है, अत्यंत मनोहर लग रही। उंगली की कंघी से बगुले कल की सवारते हैं कोई। अर्थात कहीं पर बगुले पंजों की उंगलियों से अपनी कलगी को संवार रहे हैं और पानी में चक्रवात पक्षी तैरते हुए दिख रहे हैं। तृतीय जल में सुखाव पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। आगे कवि कहते हैं गंगा के किनारे पर नाव का अगला भाग लेटा रहता है पड़ा रहता है। अर्थात नाव गंगा के किनारे नाव जो खड़ी हुई है तो उनका आधा भाग जो रेत पर है वो उसको क्या कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह लेटा हुआ है खड़ा हुआ है। काव्य सौंदर्य रूपक और अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग किया है। गंगा तट की शोभा का आकर्षक अंकन हुआ है। सरल सुबोध भाषा में भाव की सहज अभिव्यक्ति हुई। अंतिम पंक्तियां हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाई से सोए अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव अच्छादन निरूपम हिमांत सिग्न शांत निज शोभा से हरता जनमन। शब्दार्थ
हिमातप, सर्दी की धूप, निशी, रात्रि, मरकत, पन्ना नामक रत्न, नीलम, नीले रंग का एक रत्न, निरूपम, अतुलनीय, हिमांत, जाड़े के मौसम के अंत में, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में जाड़े के अंतिम दिनों की रात में शोभायमान गांव की अनुपम छटा का अंकन हुआ है। व्याख्या, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख के अलसाए से सोए, अर्थात कवि कहते हैं कि मुस्काती सी हरियाली और उतरते जाड़े की गर्माहट में ग्रामीण नींद में डूबे हुए हैं। ग्रामीण अर्थात गांव के लोग, भीगी अंधियारी में निशी की तारक सपनों में से खोए, अर्थात वे ओस से भीगी अंधेरी रात में नक्षत्र लोक के सपनों में खोए हुए हैं। आशय यह है कि सारा गांव गहरी नींद में सपनों का आनंद ले रहा है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव अच्छादन, अर्थात पन्ने के सुंदर खुले डिब्बे के समान खुले खुले से इस गांव पर आकाश रूपी नीलम रत्न का ढक्कन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? आकाश जो है नीले रंग का होता है और यहाँ पर किससे तुलना की है? नीलम रत्न से आकाश की तुलना की है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। निरूपम हिमांत में इस नग्न शांत निज शोभा से हरता जन मन, अर्थात ठंड के अंतिम दिनों में ओस से भीगा और नींद में डूबा होने के कारण शांत और सरल यह गांव अपनी अनोखी सुंदरता से प्रत्येक के मन को मोहित कर रहा है। काव्य सुंदर, गांव में के रात्रि आनंद का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, अर्थात रात के समय गांव में कितनी शांति मिलती है उस आनंद का कवि ने वर्णन किया है। अनुप्रयास, उपमा और रूपक अलंकारों का सौंदर्य अवलोकनीय वर्णन हुआ है, अर्थात इन अलंकारों का उपयोग हुआ है। बच्चों, यहाँ पर कुछ रत्नों के भी नाम आए तो प्रश्न बनता है कवि ने कौन कौन से रत्नों का उपयोग किया है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं पन्ना और नीलम। बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।